मीडिया पर वायरल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त है गंगा प्राइम का। भारत विरोध की सोच ने नेपाल के इस बुजुर्ग नेता को अंधा बना दिया है। प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठकर इस नेता ने पहले भी कई विवादित बयान दिए, लेकिन अब तो इस नेता ने हद ही पार कर दी। पता नहीं किस आधार पर भगवान राम को नेपाली बना दिया और अयोध्या को नेपाल में दिखा दिया। आखिर क्या वजह है कि नेपाली प्रधानमंत्री ओली भारत विरोध पर उतारू हैं और किसकी शह पर लगातार इसे अंजाम दे रहे हैं। जब कोई अपना जमीर किसी और के पास गिरवी रख दे तो वो अपनी नहीं, उसी की भाषा बोलता है। कहने को ये नेपाल के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, नाम केपी शर्मा ओली, लेकिन इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। दरअसल चीन ने इन्हें अपनी चाशनी में ऐसा डुबोया है कि इनका दिमाग दिवालियेपन का शिकार हो गया। तभी तो जनाब भगवान राम को नेपाली बता रहे हैं, अयोध्या को नेपाल में बता रहे हैं। जनाब ये भी कह रहे हैं कि हम लोग आज तक इस भ्रम में कि सीता जी का विवाह जिन राम से हुआ है वह भारतीय हैं, जबकि राजकुमार राम बीरगंज के पास ठोरी नामक जगह जहाँ वाल्मीकि आश्रम है वहाँ के। अब जनाब को कौन बताए कि भ्रम में कौन है और दुनिया को भ्रमित कौन और क्यों कर रहा है। दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के पावन तट पर अयोध्या एक प्राचीन नगरी है, जहां राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भारत में संत समाज ने केपी ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केसी शर्मा ओली का एक विवादित बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या नेपाल में है, असली नकली यूपी में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसका विरोध करता है। अयोध्या अनादिकाल से भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तमाम इसके प्रमाण हैं। लेकिन ओली ठहरे सियासतदान, उन्हें भी तो नेपाल में सियासत ही करनी है। ओली कम्युनिस्ट हैं, जिनका भगवान और धर्म से दूर दूर तक कोई नाता तो होता नहीं। ऊपर से ओली इन दिनों अपने ही घर में बुरी तरह से घिरे हुए, शायद इसीलिए भारत विरोध के बीच भगवान राम की नई कहानी गढ़कर ओली के लिए खुद को हिंदूवादी छवि के नए अवतार में दिखाना उनकी मजबूरी भी और उनके लिए जरूरी भी। एक ये भारत विरोधी नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद, इसकी भावना काफ़ी मजबूत है, और ख़ास तौर जो ये लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, जो वामपंथी पार्टीज़ हैं, ये लोग इस तरह की भावना फैलाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब ओली जी अपना इलेक्शन जीते तो उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी एंटी इंडिया स्लोगन्स दिए और इस तरह का कि भारत विस्तारवादी देश है, इस तरह के ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स से जीते हुए। नेपाली प्रधानमंत्री ने नेपाल के महाकवि भानुभक्त आचार्य की जयंती पर यह बेतुका बयान दिया, जिन्होंने नेपाली में रामायण लिखी जिसमें कोई विवादित कथा नहीं। लेकिन ओली का ये कहना कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया है, उनकी सियासत का ही एक हिस्सा है। दरअसल नेपाली प्रधानमंत्री ओली काफी दिनों से चीन के ही चश्मे से देखते हैं, उसी के इशारे पर जुबा खोलते हैं। तभी तो ओली का एजेंडा और प्रोपेगेंडा दोनों के केंद्र में भारत विरोध है। नहीं तो जिस भारत और नेपाल में रोटी बेटी का रिश्ता रहा हो, उसी भारत के खिलाफ कोई बार बार जहर कैसे उगल सकता है। हालिया विवादों मसलन
उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती सड़क का विरोध करना, नेपाल का नया नक्शा विवाद जिसमें भारतीय क्षेत्र को नेपाल में शामिल दिखाना, भारतीय न्यूज चैनलों को बैन करना, ऐसे तमाम कदम जिससे नेपाली प्रधानमंत्री पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। अभी हम देख रहे हैं कि इसी तरह की एक भारत विरोधी भावना जो है वो भड़का रहे हैं और इसको और बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि इससे उनकी जो पोजीशन है आजकल थोड़ी डामाडोल जो है नेपाल में और मजबूत होगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने सियासी मामलों में भारत से अलग थलग दिखना चाहते हैं। इसीलिए वो चाइना कार्ड खेला जाता है। ओली जी की सरकार ने चाइना की तरफ काफ़ी अपना रुझान बढ़ाया। अभी हमने हाल में भी देखा कि चीन के जो राजदूत हैं कितनी एक्टिव हैं वहाँ नेपाल में। तो कुछ तो ये भावना है वहाँ नेपाल में, और जो वामपंथी जैसे मैंने कहा ये लोग इस भावना को और बढ़ा रहे हैं। बहरहाल 12 साल पहले तक नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जब से वहाँ लोकतंत्र कायम हुआ सत्ता पर कम्युनिस्टों का प्रभाव ज्यादा है। ऐसे में भारत के साथ संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव जैसे उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली चाहे कितने भी उल जुलूल दावे कर ले, लेकिन दुनिया जानती है कि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में है और भगवान राम का जन्म नेपाल नहीं बल्कि अयोध्या में यही हुआ। अब पीएम ओली के इस बयान पर अयोध्या से लेकर तमाम भारतीय शहरों में संत समाज काफी गुस्से में है। उत्तर प्रदेश में पावन सरयू तट पर बसा अयोध्या, जिसका नाम जहन में आते ही भगवान श्री राम की मनमोहक छवि उभर कर सामने आ जाती है। अभी 2 साल पहले की ही तो बात है जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी नेपाल दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ जनकपुर से अयोध्या के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। उस वक्त तो नेपाली पीएम ओली के लिए अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन अब अचानक ओली के लिए अयोध्या नेपाल में और भगवान राम नेपाली लगने लगे। यही नहीं, जनकपुर से अयोध्या पहुंची बस का स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। वैसे भी दुनिया जानती है कि जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या भारत में और प्राचीन नगर रहा। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसके उससे वार्ता करें कि वो माफी मांगे, नहीं तो साधु संतों में इसका एक रोष है, हिंदू जनमानस में इसका रोष है। तो ये चीन के कहने पर नेपाल ऐसा कर रहा है, इसलिए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिख करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, और हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि ये हमारा आस्था का मामला है, हमारा आंतरिक विषय है, और इस पर किसी को भी ये हक नहीं है कि हमारी किसी भी हिंदुओं की किसी भी प्रकार की आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम पले बढ़े, फिर इसी अयोध्या में भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ के साथ वन होते हुए जनकपुर पहुंचे, जहां उनका राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह हुआ, यानी जनकपुर भगवान राम की ससुराल जो नेपाल में पड़ता है, और रिश्ते के तहत भगवान राम जनकपुर के दामाद हैं और जनकपुर नेपाल में। बावजूद इसके नेपाली पीएम ओली पता नहीं किस मकसद से रामायण काल से चले आ रहे भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी के संबंधों को खत्म करने पर तुले हैं। यही वजह है कि नेपाल से लेकर अयोध्या और दूसरे तमाम जगहों पर उनके खिलाफ संत समाज ने मोर्चा खोल रखा है। और कल से पूरे नेपाल में इसके लिए प्रदर्शन जारी हो जाएगा। मैं इसके लिए धर्मादेश भी जारी करता हूं कि जो भी हमारे लाखों भक्त लाखों शिष्य नेपाली हैं वह जो है कल से रोड पर उतरेंगे और ये 1 महीने के अंदर ओली को सत्ता से बहिष्कृत करेंगे। संतों को अपनी शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए नेपाल सरकार को, नेपाल के प्रधानमंत्री को सही परामर्श देना चाहिए। वहीं राम जन्मभूमि के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने नेपाली पीएम ओली को आड़े हाथों लिया। और यहीं से इकबाल अंसारी बोल रहे हैं
कि अगर कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो लंका को भी नहीं बख्शे थे। तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करें कि राम जी के कहने पे जो है हनुमान जी को नेपाल जाना पड़े और वहाँ भी ऐसा काम कर देंगे कि राजा कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि धर्म की नगरी को बुरा भला कहने से वो बाजा में अयोध्या यही है जहाँ भगवान राम की नगरी है। अयोध्या और भगवान श्री राम का रिश्ता अटूट है, अमीट है, अमर है। अयोध्या के कण कण में भगवान राम बसते हैं। अयोध्या मतलब राम और राम मतलब अयोध्या, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली जैसे लोगों ने भगवान राम को नेपाली और अयोध्या को नेपाल में बताकर अपमान किया, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों का विरोध होते रहना चाहिए। गोरखपुर में तो छात्र संगठनों ने बाकायदा ओली के लिए सद्बुद्धि यज्ञ तक का आयोजन किया है। हम भी यही कहेंगे, भगवान श्री राम केपी ओली को सद्बुद्धि दें। अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ओली के दावे पर विवाद के बीच राम मंदिर निर्माण का जल्द ऐलान हो सकता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 18 जुलाई को दूसरी बैठक होने जा रही है, जिसमें मंदिर निर्माण की तारीख घोषित की जा सकती है। बैठक में ट्रस्ट के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। ट्रस्ट के कई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़ेंगे। पहले बैठक 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से बैठक टाल देनी पड़ी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों की बैठक होगी, ये दूसरी बैठक है। एक बैठक 19 फरवरी को दिल्ली में हो चुकी है, 5 महीने हो गए, इसलिए बैठक करना अनिवार्य है। हम 15 ट्रस्टी हैं। चातुर्मास के कारण वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज से नहीं आ पाएंगे। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज उडुपी से नहीं आ पाएंगे और श्री पाराशरण जी की आयु 93 साल से अधिक है, वो चेन्नई में है और तमिलनाडु में 31 जुलाई तक यात्रा पर बंधन है। इतनी अधिक आयु में चिकित्सक उन्हें अनुमति नहीं देंगे, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है, इसलिए वो भी नहीं आएंगे। तो 15 में से 12 लोग आएंगे और ये 3 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपस्थित रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बता दें, जहां टिड्डियों का हमला हुआ है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में टिड्डियां घुस गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिड्डियों का हमला बलरामपुर में हुआ है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों ने अपना हमला किया है। तो टिड्डी दल का आतंक उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ अब ये बलरामपुर पहुंच गया है। हालांकि पहले से ही यूपी में अलर्ट था टिड्डी दल के हमले को लेकर, इसीलिए किसान तैयार थे, लेकिन फिर भी ये टिड्डी दल जहां से होकर गुजरता है वहां भारी नुकसान पहुंचाता है, फसलों को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और अब ये टिड्डियों का जो दल है वो बलरामपुर पहुंच चुका है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में घुसी हैं टिड्डियां। हालांकि इनको भगाने के लिए किसान भी और लोग भी तमाम जतन कर रहे हैं, लेकिन नुकसान टिड्डियों से भारी होता है। उधर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर रंगों की सियासत करने का आरोप लगा है। उन पर अपने घर के आसपास के पूरे इलाके को भगवा रंग में रंगवाने का आरोप लगा है। हालांकि कैबिनेट मंत्री साफ कर चुके हैं कि वो अपने इलाके का सौंदर्यकरण करा रहे हैं, इसके बावजूद मामला सियासी रंग लेने लगा है। प्रयागराज का बहादुरगंज इलाका और इस इलाके के घरों पर चढ़ा ये भगवा रंग। यूपी के सियासी गलियारों में इन दिनों बहस का नया मुद्दा बना है।
इलाके के लोगों को एतराज इस बात पर है कि बिना उनसे पूछे उनके घरों को भगवा रंगों से क्यों रंग दिया गया। बहादुरगंज की इसी गली में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता का मकान है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है वो इस गली को, इस इलाके को इन दिनों भगवा रंग में रंगवा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है, जो पूरी गली है, इन दिनों सारे के सारे मकान वो भगवा रंग में रंगे जा रहे हैं। ये पूरा आयोजन मंत्री नंदी की तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो मकान हैं उनकी जो बाहरी हिस्से हैं उनको पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया गया है। घर हो या दुकान, यहाँ की दीवारों को इस रंग से रंगने के आरोपों के केंद्र में आ गए हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। इस रंग से कुछ लोगों को नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने पूरे मामले के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज करवा दी है। दरअसल गली में समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के भी घर हैं। उनके मुताबिक ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। लोकतंत्र में हमको जो अधिकार मिले हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो उसी अधिकार के तहत हमको क्या अपने घर को कलर कराना है, किस कलर का, ये हम डिसाइड करेंगे। ये सरकार नहीं डिसाइड करेगी। अगर सरकार को डिसाइड करना है तो हमको बताइए, हम लोग छोड़ के घर चले जाएं। FIR दर्ज कर ली गई। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसकी कानूनी कार्रवाई तेज़ी से हो और जो है उनको गिरफ्तारी की जाए, गुप्ता जी की जो है, और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसकी बात हम लोग आगे लखनऊ भेज चुके हैं और इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी जो है। हालांकि कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने इस पूरे विवाद को विपक्ष की साजिश बताया है, क्योंकि वो भगवाकरण नहीं बल्कि इलाके का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। भला इससे किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? एक तो आपको दिख रहा है ये भगवा है, कहीं पीला है, कहीं हरा है। राम दरबार की फोटो है, सीता जी की साड़ी रेड कलर की है, लाल है। तो ये जो शंकर जी की छाल है जिस पर बैठते हैं वो चॉकलेटी कलर का, कॉफ़ी कलर का, देख लीजिए। कुछ लोगों को सौंदर्यीकरण पसंद नहीं आ रहा है। मंत्री महोदय जो भी कहें, लेकिन अब ये पूरा मामला पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। उधर गलियों का सौंदर्यीकरण भी जारी है। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। और इस वक्त कानपुर के बिकरू कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। गुड्डन त्रिवेदी को चौबेपुर थाने लाया गया है। 4 दिन की रिमांड पर कानपुर पुलिस उसे लेकर आई है। घटना वाले दिन बिकरू में मौजूद था गुड्डन त्रिवेदी और इसकी गिरफ्तारी कुछ दिन पहले मुंबई के थाने से हुई थी। मुंबई SDF ने गुड्डन त्रिवेदी को पकड़ा था। फिलहाल मौजूदा पंचायत सदस्य भी गुड्डन त्रिवेदी है, तो समझा जा सकता है कि उसकी रिमांड से उसे जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि ये भी अभी तय होगा कि जिस वक्त ये कांड हुआ था, जिस वक्त ये हत्याकांड हुआ था, उस वक्त गुड्डन त्रिवेदी की भूमिका क्या थी। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। धान की खेती के लिए सिंजेंटा